की क्या बोलते हैं फाइनेंशियल वीडियो हम बनने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल में जो इम्पोर्टेंट जो पॉपुलर चीजें हैं उसके बारे में पहले आज बताओ। जैसे कि मेरे पास प्रिंसिपल है 50,000 का, मेरे पास रेट है 10% का, और मेरे पास टाइम है मान लीजिए 5 ईयर का। तो मुझे यहाँ EMI निकालना है, मतलब 10% की रेट से 50,000 मैंने लोन लिया बैंक से 5 सालों के लिए, तो मेरी EMI कितनी होगी? ठीक है, मेरी EMI कितनी होगी? तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला PMT का। PMT रेट डिवाइड बाई 12, टाइम जो हमारा है टाइम को हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, और पीवी परसेंट वैल्यू हमारा ये 50,000 है। तो हमने निकाला 10,000, फिर 1,062 रुपये का मंथली चलेगा। तो कैसे निकाला देख लीजिए, क्योंकि ये हमें इसको ईयरली है तो मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब जो भी आपका कैलकुलेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड पे आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। तो PMT फॉर्मूला चलता है इसमें। तो टाइम बारह से है डिवाइड आपका कीजिए, 5 ईयर। क्या बोलना है सर? तो ये 12 से डिवाइड का कंसेप्ट क्या है? 12 से डिवाइड ये पूरा रेट को। जो 10% क्या है ईयरली है, तो इसको अगर मुझे मंथली निकालना है तो इसको डिवाइड बाय 10% करना पड़ेगा ना, डिवाइड ठीक। 12 करना पड़ेगा। और सेम हम 5 5 साल है तो महीने कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। और पी परसेंट वैल्यू क्या है हमारा 50,000। तो ये हमारा ईएमआई निकाल के दे दिया। लेकिन ईएमआई एक तो सर ठीक है, ये हमारा लोन का है, लेकिन मैं अगर इसी में क्वेश्चन चेंज कर दूं कि मुझे प्रिंसिपल जो हमारा है वो 60,000 का है, रेट हमारा 7,000 है, 7% है, और टाइमिंग हमारा 3 साल है, तो मैं यहाँ पे ईएमआई, मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मुझे 3 सालों बाद 60,000 रुपये की जरूरत है, और बैंक बोल रही है कि मैं रेकरिंग खाते पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट दे दूंगा, तो मैं कितना रुपया महीना जमा करूंगा ताकि 7% के इंटरेस्ट लेके 3 सालों में 60,000 हो जाए? ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे हम PMT का रेट डिवाइड बाय 12, टाइम मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहां पे हमने पीवी सिलेक्ट किया था ना, यहां पीवी की जगह पे एपी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पीवी की जगह पे क्या सिलेक्ट किया हमने, एफडी, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो 7,000 रुपये है ये हमें फ्यूचर मिलने वाले हैं ना, इसलिए। ठीक है सर, तो पीएमटी को दो तरीके से लगाया जाता है। पहला इसमें आज मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू है तो फ्यूचर ईएमआई निकालने के लिए, लोन पे ईएमआई निकालने के लिए, और ये रेकरिंग अकाउंट पे ईएमआई निकालने के लिए। नहीं लेकिन आया समझ नहीं, ये क्या बोले, वाला समझ नहीं आया कंसेप्ट, इसमें क्या एक निकल रहा एक तो आपने 50,000 रुपये का लोन ले लिया ना सर, है? लोन लिया तो आपका जो है 1,000 रुपये की ईएमआई बनेगी। ठीक लेकिन है जी। मैं रेकरिंग अकाउंट खोलना चाहता हूँ, मतलब कि रेकरिंग अकाउंट नहीं समझते हैं, क्या सर? आवर्ती खाता कहते हैं इंग्लिश में, रेकरिंग अकाउंट।
कि आप बैंक में हर महीने 2,000 रुपये जमा करेंगे तो 3 साल बाद कितना आएगा, समझे? तो एक कैलकुलेशन ये है कि अगर 1,502 रुपया हर महीने बैंक में जमा करो तो 3 सालों में 7% बैंक अगर इंटरेस्ट देगी तो 7,000 मिलेगा। सिंपल है, ठीक है जैकी जी? हाँ लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे पास ईएमआई है, मैं बोलता हूं कि मैं 2,000 रुपये महीना जमा करना चाहता हूं। बैंक जो है बोल रहा है कि वो मुझे 7% का इंटरेस्ट रेट देगा और मैं 3 साल ही जमा करूंगा। मैं 3 साल जमा करूंगा तो क्या अमाउंट मिलेगा, जबकि फ्यूचर में हमें क्या अमाउंट फ्यूचर में क्या अमाउंट मिलेगा, तो उसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला एफ, फ्यूचर वैल्यू। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा रेट है जिसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, टाइम है, एनपीआर को टाइम बोलते हैं, एनपीईआर को टाइम बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। और यहाँ पे पीएमटी दिखा आपको, पीएमटी में मैं 2,000 रुपये सेलेक्ट कर, तो 79,000 रुपीज मिलेगा अगर हम 2,000 रुपये महीना जमा करते हैं, ठीक है? अब बात इसमें यहां पे ये करते हैं कि इसमें एक चीज और है कि मैं बोलता हूं कि मैं 50,000 रुपये एफडी करना चाहता हूं। अब ये फिक्स डिपॉजिट की बात होगी, बैंक बोलती है कि रेट जो मुझे देगी वो देगी 9% का और टाइम जो है मैं 6 सालों के लिए करना चाहता हूं, तो फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा? तो यहां पे भी हम एफबी का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर वैल्यू और हमारा रेट डिवाइड हो जाएगा 12 से, टाइम हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, और पीएमटी यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां पे पीवी परसेंट वैल्यू हो जाएगा। एक-एक फॉर्मूले दो-दो तरीके से यूज होते हैं, तो नीचे इनपुट में आप तो देख लें कि आपके क्या इनपुट है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। तो 50,000 6 सालों में 9% से 85,000 बन के आएगा। तो पीएमटी फॉर्मूला के दो यूज थे और पीवी फॉर्म एफबी फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले का दो यूज थे। दोनों यूज समझ में आ गया सर आपको? हाँ जी सर, हाँ जी, अब अगला आगे। आता है पीवी परसेंट वैल्यू, पीवी फॉर्मूले का मतलब कि मैं अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं, ठीक है? मुझे रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं तो मुझे फ्यूचर में रिटायरमेंट करते समय कितने अमाउंट की जरूरत है, और बैंक बोल रही है कि हम आपको रेट जो देंगे वो 9% का देंगे और मैं रिटायरमेंट जो है 15 सालों में हो रहा है, तो मैं अभी कितना रुपये एफडी करूं, ठीक है? कि एफडी में कितना रुपये करूं ताकि 15 साल में 9% के हिसाब से कितना रुपया बन जाना चाहिए। हम मंथली स्कीम नहीं चलाना चाहते, हम एक बार पैसा देना चाहते। तो यहां पे हम लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो पीवी, तो पीवी में रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से ताकि मंथ निकल कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 12 से, और यहाँ पीएमटी को स्किप करेंगे, सॉरी पीएमटी को स्किप करेंगे,
और हम पी भी फ्यूचर वैल्यू डालेंगे ही साठ जो है वो। तो ये रहा समझे, इस अमाउंट को अगर हम एफडी करेंगे तो 15 सालों में वो ये अमाउंट आए, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब इसमें आगे बढ़ते, अब मान लीजिए कि मुझे रेट निकालना है, मैं 9% रेट में भूल जाता हूं, तो रेट कैसे निकलेगा? तो रेट का फॉर्मूला होता है रेट के नाम से, रेट टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, पीवी हमारे पास ये है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू हमारे पास। ध्यान रखिएगा जब भी रेट और टाइम के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं, रेट माने कि ड्यूरेशन निकालने के लिए लोन ड्यूरेशन एंड रेट निकालने के लिए, तो एक माइनस होना चाहिए, ध्यान रखिए। 1% इसने मंथली निकाला है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ईयरली 9% आपको निकाल के दे देगा। उसी तरह से टाइम निकालना है तो हमारे पास एन पी ई आर टाइम के लिए होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको रेट डिवाइड बाय 12 करते हैं। पीएमटी नहीं है, पीवी हमारा ए है और एन भी हमारा ए है, तो टाइम इनका मंथ में आएगा 180 महीना, और इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से तो 15 साल आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप लोग क्या करें, मैंने फॉर्मूले अपने हिसाब से करा दिए, जो इंपॉर्टेंट है जो यूज का है वो हमने करा दिया। आप क्या करें कि एक एक फॉर्मूले को जाके तराशे और आपको जो फॉर्मूले सीखना है उसका एक लिस्ट बनाए कि सर मुझे ये भी फॉर्मूला सीखना है, आपने सिखाया था ठीक है, लेकिन मुझे इसको भी सिखा दीजिए, उस फॉर्मूले को आपके साथ डिस्कस करें। सुदीप सर हाँ बोलिए, देखिए जी मैं ना एक परसेंटाइल का फॉर्मूला रह गया था, वो आगे कवर होगा परसेंटाइल? हाँ परसेंटाइल का फॉर्मूला हम आपको एरे के साथ करेंगे। के साथ होगा क्योंकि वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में था ना, तो उसमें टॉप 10% वो पता नहीं लग रहा था क्या किस हिसाब से ले रहा है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि परसेंटाइल करता क्या है, पता है क्या करता है? ठीक है सर। हाँ वो तो हाँ परसेंटाइल के साथ ही बता देना सर। हाँ परसेंटाइल क्या करता है, तो आप एक बार लिस्ट बना लीजिए ना, जो भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले की लिस्ट बना के आप सब दे दीजिए, फिर मैं आपस में कंबाइन कर लूंगा कि जो फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले की मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये शीट भेज देना सर, शीट भेज देना, ठीक है ये वाली।